हेलो एवरीवन आज अकाउंटेंसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन करने वाले हैं व्हेन वी से इंपॉर्टेंट देन इट मींस इसका प्रैक्टिकली भी यूज़ रहेगा अभी तक हमने थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल की है ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल आज हम कुछ और टाइप ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज़ आई मीन फोर्थ वन इज़ कॉल्ड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट है जो डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया इट मीन्स जितना कंपनी शेयर होल्डर से मंगवा चुकी है उस अमाउंट को कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल इफ़ द डायरेक्टर कॉल्स एट द रेट ऑफ सिक्सटी रुपी पर शेयर ऑन ट्वेल्व थाउजेंड शेयर ऑफ रुपी हंड्रेड ईच ई शेयर हंड्रेड रुपीज़ का है इट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर हंड्रेड रुपीज़ हैं बट डायरेक्टर्स ने अब तक सिक्सटी रुपीज़ पर शेयर मंगवाया इट मीन्स टोटल कैपिटल जो कंपनी के पास रिसीव हुई है वो है सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी रिसीव नहीं हुई है ये अभी ये मंगवाई गई है और जो बाकी के बच्चे हुए फोर्टी रुपीज़ हैं वो अनकोल्ड कैपिटल होगी फिफ्थ टाइप ऑफ कैपिटल इज़ पेड अप कैपिटल अब पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है कंपनी ने जो मंगवाया उसे अप कहते हैं और पब्लिक ने जो पे किया शेयर होल्डर्स ने जो पे कर दिया एक्चुअल में उसे पेड अप कैपिटल मिलेंगे कहेंगे मतलब जैसे अब ऊपर वाले अगर हम एग्जाम्पल लें कंपनी ने तो सिक्सटी रुपीज़ पर शेयर मंगवाए ट्वेल्व थाउजेंड शेयर होल्डर्स थे बस उसमें से टू थाउजेंड ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अब तक अपने शेयर के थर्टी थर्टी रुपीज़ नहीं दिए तो वो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ जो मिल गई मिली कितनी है टेन थाउजेंड शेयर्स पर तो पूरे सिक्सटी रुपीज़ मिल गए मतलब सिक्स लाख ,00 हो गए और जो बचे हुए टू थाउजेंड शेयर्स हैं उन्होंने थर्टी रुपीज़ दिए तो वो कितने हो जाएंगे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ इन दिस वे टोटल कैपिटल कितनी रिसीव हुई सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ जबकि कंपनी ने मंगवाई कितनी थी ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड जो ये अभी तक अमाउंट नहीं आया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरर मतलब आउटस्टैंडिंग कॉल्स जो पैसा शेयर होल्डर से मंगवा लिया गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ सपोज करो अगर कॉल्ड अप कैपिटल जितनी थी जितने कंपनी ने मंगवाए हैं उतने ही अगर कंपनी को रिसीव हो जाए तो उस केस में अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों ही सेम रहेगी टाइप ऑफ कैपिटल है रिजर्व कैपिटल ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एज पर सेक्शन सिक्सटी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट थाउजेंड थर्टीन ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग कंपनी मे हैव रिजर्व कैपिटल फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती सिर्फ लिमिटेड कंपनी ही इस्टैब्लिश की जा सकती है बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी भी इस्टेब्लिश की जा सकती है तो जब एक अनलिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है तब वो कंपनी सिर्फ वही कंपनी रिजर्व कैपिटल को क्रिएट कर सकती है कंपनी ऐसा कैसे करती है कंपनी जानबूझकर शेयर कैपिटल के प्राइस को इंक्रीज कर देती है जिससे हर शेयर प्राइस हाई हो जाता है और अल्टीमेटली जो कैपिटल इंक्रीज़ हुई है ना वो कभी भी शेयर होल्डर से मंगवाई नहीं जाती मतलब एक नाम के लिए कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया जाता है या फिर रिजर्व कैपिटल इस तरीके से क्रिएट की जा सकती है कि जो अभी तक अनकोल्ड है ना अनकोल्ड शेयर कैपिटल मतलब जो अभी तक कंपनी ने मंगवाई नहीं है वो ये डिक्लेयर कर देगी कि ये पैसा जब तक कंपनी बंद होगी सिर्फ उस सिचुएशन में मंगवाया जाएगा इसके अलावा ये पैसा नहीं मंगवाया जाएगा तो ये थी रिमेनिंग टाइप ऑफ कैपिटल्स नाउ लुक एट द बैलेंस शीट विच इज़ प्रिपेयर बाई कंपनी अकाउंट वैसे तो हमने जो अब तक इलिस्ट्रेशन की है थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का आइडिया आ गया है कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है और ये एक तरह से कंपनीज एक्ट 2013 का स्केड्यूल थ्री में मेंशन है बैलेंस शीट में एक एग्जैक्ट फिगर दिखाई जाती है और उसकी डिटेल्स के लिए साथ में नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है एज यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ़ ऑल बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड पहले तो फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी है और उसके नीचे मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे तीन सब हेड है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन सब हेड आते हैं विच आर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड सी पार्ट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स दिस फॉर्मेट यू हैव टू लर्न इट और जो इसमें ए सब हेड है शेयर कैपिटल उसके डिस्क्रिप्शन नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे नॉर्थ टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के बारे में शो कर रखे हैं यहाँ पर मेनली थ्री टाइप ऑफ कैपिटल शो की जाएगी ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के आगे टू पार्ट होंगे सब्सक्राइब एंड फुली अप एंड सब्सक्राइब एट नॉट फुली अप और अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं अगर क्वेश्चन में मैंशन नहीं है कि किस टाइप के शेयर्स हैं देन वी विल एज्यूम कि वो इक्विटी शेयर्स हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप में कॉल इन एरर का केस रहेगा या फिर सेकेंड केस क्या हो सकता है कि डायरेक्टर्स ने अब तक पैसा ही नहीं मंगवाया और एट दी एंड इसमें फ़ोर फिटेड शेयर्स ऐड किए जाते हैं फोर फिटेड शेयर्स क्या होते हैं ये कंसेप्ट हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे ओके नाउ वी विल रीड अबाउट कैपिटल रिज़र्व इससे पहले जो हमने सिक्स पॉइंट पढ़ा था ना वो रिजर्व कैपिटल था एंड डोंट गेट कन्फ्यूज रिजर्व कैपिटल विद कैपिटल रिजर्व बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट टर्म्स रिजर्व कैपिटल तो अनलिमिटेड कंपनी बना सकती है सिर्फ बट कैपिटल रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व है जो कंपनी को कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन करने की वजह से रिसीव होता है कंपनी में दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है दो नेचर की ट्रांजेक्शन होती है कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर जो कैपिटल प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन से उसे कैपिटल रिज़र्व में ऐड किया जाता है और अगर कोई कैपिटल नेचर का लॉस हो जाता है ना तो वो इसी रिज़र्व से डिडक्ट कर दिया जाता है इसमें क्या क्या आते हैं सपोज़ करो कोई एसेट सेल की फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्सड एसेट जो होते हैं वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है राइट right? तो अगर आपने फिक्स्ड एसेट सेल की और उस एसेट को सेल करने से कुछ बेनिफिट हो गया प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल रिजर्व में शो किया जाता है ऐसे ही फिक्स एसेट्स का रिवेल्यूशन करने पर जो प्रॉफिट हो गया या फिर शेयर और डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर दिया प्रीमियम पर इशू करने का मतलब होता है जब एक कंपनी एक रेपुटेटेड कंपनी होती है उसके शेयर्स की फेस वैल्यू तो कम होती है बट पैसा ज़्यादा मंगवाया जाता है सपोज करो टेन रुपीज़ फेस वैल्यू है बट एक शेयर होल्डर से ट्वेल्व रुपीज़ मंगवाए जाते हैं तो जो ये टू रुपीज़ एक्सेस में मंगवाए जा रहे हैं ये प्रीमियम होता है ये सब चीज़ें कैपिटल रिज़र्व बनाती हैं और अभी हमने शेयर होल्डर्स फंड देखा था ना जो फर्स्ट मेन हेड था उसके अंडर सेकेंड सब हेड का नेम था रिजर्व एंड सरप्लस उस फोल्डर में इस अमाउंट को शो किया जाता है नाउ वी आर जम्पिंग टू द पॉइंट पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जब भी शेयर्स पब्लिकली इशू किए जाते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो किया जाता है फर्स्ट स्टेप इज़ टू इशू प्रोस्पेक्टस सेकेंड स्टेप इज टू रिसीव एप्लीकेशन थर्ड वन इज़ टू मेक अलॉटमेंट एंड फोर्थ वन इज़ टू मेक कॉल्स सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट टू इशू प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस मीनस पब्लिक को इन्वाइट करना कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर ले एक प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नेम एड्रेस डायरेक्टर्स के नेम डायरेक्टर के एड्रेस कंपनी का ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है जो इंटरेस्टेड पर्सनस को फिल करके सबमिट करवाना होता है विच इज़ डन इन द सेकेंड पॉइंट टू रिसीव एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद पब्लिक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करती हैं एज़ पर द रूल जो एप्लीकेशन का मनी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इशू शेयर से कम नहीं होना चाहिए सपोज़ करो अगर एक शेयर हंड्रेड रुपीज़ का है तो उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पर शेयर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ही मंगवाया जाएगा एक परसेंट जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग एप्लीकेशन अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं और ये अमाउंट कंपनी के बैंक जो कंपनी ने बैंक ओपन करवाया तो अपने नेम से कंपनी के अकाउंट के नेम से होता है जनरली उसमें डिपॉजिट करवा दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जब कंपनी से एप्लीकेशन रिसीव हो गई अब कंपनी की मर्जी है वो किन शेयर्स को एक्सेप्ट करती है सपोज करो कंपनी ने थर्टी थाउजेंड शेयर्स पब्लिकली इशू किए एंड फोटी थाउजेंड शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई तो रूल कहता है कि कंपनी जितना इशू करती है उससे ज़्यादा के शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती यानी कि कंपनी मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड शेयर्स ही एक्सेप्ट कर सकती है उन्हीं को ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितने भी एक्सेस शेयर्स आए हैं उनके पैसे वापस देने होते हैं ये तो बात तब हुई जब हमें मैक्सिमम रिसीव होता है बट ऐसा भी पॉसिबल है कि कंपनी ने जितने इशू किए शेयर उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हो जिसे हम कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो उसके लिए सैबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्यों चाहिए होता है कंपनी से एप्लीकेशन तो बाद में मंगवाई जाती है बट पहले उससे पहले कुछ एसेट्स खरीदने होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने होते हैं कई सारे एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं तो इन सब एक्सपेंसेस जो ये ऑलरेडी किए जा चुके हैं इनके लिए मनी चाहिए होगा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से लिया जाता है फ़र्स्ट इज़ फॉर द परचेज ऑफ़ फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ़ एनी प्रॉपर्टी सेकेंड इज़ फॉर पेमेंट ऑफ़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ़ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द यूजल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड इट इज़ मैंशनड हियर कि सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाइन्टी परसेंट फिक्स किया गया है मतलब एक कंपनी ने जितनी भी इशू की है कैपिटल उसका नाइन्टी परसेंट ऑफ एप्लीकेशन थर्टी डेज़ के अंदर अंदर रिसीव हो जानी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी को फिफ्टीन डेज़ के अंदर सब पर्सन के एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने होते हैं और अगर पंद्रह दिन से ज़्यादा का टाइम लगता है तो कंपनी को फिफ्टीन परसेंट पर एनम की रेट से ईच डे पेमेंट करनी होती है अगर कंपनी ने 90 परसेंट या 90 परसेंट से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर ली है देन वो अलॉटमेंट का प्रोसेस कर सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने के इशू किए हैं शेयर्स उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो जाना उस केस में आप, आपको ये तो बता ही दिया है कि कंपनी ने जितना इशू किया है उससे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकती है तो ऐसे में प्रोपोर्शनेट बेसिस या फिर यू कैन हैं प्रोराटा बेसिस यूज़ करती है कंपनी इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे फ़िलहाल इस प्रोराटा बेसिस यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस को एक बार स्किप करते हैं और मेनली ये देखते हैं कि जिन पर्सनस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है उन्हें तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है और साथ में उनसे अलॉटमेंट का पैसा भी मंगवा लिया जाता है और जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया जाता है और उनका अमाउंट भी रिफंड कर दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मेक कॉल्स अब फाइनली कॉल्स मंगवाएंगे डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स की मर्ज़ी है वो बाकी बचा हुआ जो फ़ेस वैल्यू के जितना भी अनकॉल्ड अमाउंट है अनकोल्ड कैपिटल है वो या तो एक साथ भी मंगवा सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकते हैं जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में जो भी प्रोविज़न मेंशन है उनको फॉलो करना ज़रूरी है और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्केडुल वन ऑफ टेबल एफ फॉलो करनी होगी जिसमें ये रूल्स मेंशन है फर्स्ट रूल इज़ की एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कोई भी को लो एक बार में कंपनी ट्वेंटी से ज़्यादा अमाउंट नहीं मंगवा सकती जितनी भी फेस वैल्यू है जितनी भी टोटल अमाउंट है वो ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अंदर मंगवा लेनी है और वो ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अलॉटमेंट डेट से स्टार्ट होती है दूसरी कॉल करने से पहले एटलीस्ट बीच में वन मंथ का ब्रेक होना चाहिए और शेयर होल्डर्स को फोर्टीन डेज़ का नोटिस देना चाहिए फोटीन डेज पहले नोटिस दे देना चाहिए कि उन्हें कॉल करनी है मतलब उन्हें ये पेमेंट देनी है जितनी भी कॉल्स हैं वो यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए मतलब जो एक कैटेगरी से बिलोंगड है इक्विटी शेयर्स की जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग है उन सबके लिए होनी चाहिए ऐसे नहीं कि कुछ पर्टिकुलर पर्सनस के लिए पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होनी चाहिए एंड अ कॉल मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कॉल्स मोड ऑफ़ रेमिटिंग मनी एड्रेस ऑफ विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड एंड द लास्ट डेट फॉर सेंडिंग द मनी सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू अंडरस्टूड टू लेक्चर इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी थैंक यू